ओम शांति। आज 4 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष अमृत वेले पर अटेंशन दिलाते हुए कहा कि रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। फिर बाबा ने ज्ञान का नशा सदा स्थायी बना रहे उसकी विधि बताते हुए कहा कि जब नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा। कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो। फिर यह पढ़ाई ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है, यह स्मृति दिलाते हुए कहा कि यह है पढ़ाई से राजाई। जैसे उस पढ़ाई से इंजीनियर बैरिस्टर आदि बनते हैं, यह फिर है पढ़ाई से राजाओं का राजा बनना। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं जहां राज्य पद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। फिर कहा समझाने वाले शुरुड़ बुद्धि समझदार चाहिए। फिर बांदेलियों को याद करते हुए कहा कि बांदेलिया कहती हैं, बाबा बस हम आपको ही याद करते हैं, भल हम नहीं मिलेंगी परंतु वर्षा तो जरूर लेंगी, कितना वंडर है। फिर कहा जैसे प्रभाव निकलता जाएगा तो बंधेलिया भी छूटती जाएंगी, बहुत हैं जो पति की भी गुरु बन जाती हैं। वह लिस्ट निकालेंगे कितनी स्त्रियां पति का गुरु बनी। फिर तुरंत दान महापुण्य की स्मृति दिलाते हुए कहा कि पुरुषार्थ कर धारण करना और कराना है, सुना और सुनाया। धन दान नहीं करेंगे तो साहूकार कैसे बनेंगे। आज बाबा ने शुद्ध लोभ के लिए कहा कि तुम हो सबसे जास्ती लोभी, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी सदा शांतमय बनाना, मनुष्य मात्र को कलयुगी भ्रष्टाचारी से सतयुगी श्रेष्ठाचारी बनाना। उसके लिए पुरुषार्थ बाबा ने बताया कि एक बाप के सिवाय बाकी सब भूल जाना है, सबसे मोह नष्ट हो जाना चाहिए। सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। मीठे बच्चे रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। आज मुरली का प्रश्न है ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है। तो बाबा ने कहा जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं यह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करते रहो तो नशा स्थायी रहेगा, नहीं तो माया के तूफान आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा वह भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। आज मुरली में गीत बजा दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, इस बेगरी जीवन से पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, किसी भी चीज का जास्ती लोभ नहीं रखना है, जो मिले सो अच्छा, मांगने से मरना भला। दूसरा, अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है, बाप समान निराकारी निरअहंकारी बनना है, ज्ञान धन का दान करना है। आज बाबा ने वरदान दिया चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण है पढ़ाई की जो चार सब्जेक्ट हैं उसका एक दो के साथ संबंध है। जो ज्ञानी तो आत्मा है वह योगी तो आत्मा भी अवश्य होगा, और जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया उसके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे, स्वभाव संस्कार धारणा स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों का खजाना है वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं।
जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर वन लेते हैं उन्हें ही कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। आज का स्लोगन है, माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे सर्विसेबल बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।